सुमा चाय और आज सभी को हैप्पी करवा चौथ। और आज शाम अभी शाम हो रही है और अभी ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, और वैसे अभी कम हो चुकी है। दिखाती हूँ मैं, मम्मी खाना बना रही है शाम का। तो खाना क्या बन रहा है? तो अभी खाने में क्या बन रहा है मम्मी? आलू गोभी की सब्जी और पूड़ी और रायता, मीठे में खीर। अभी ना शाम का समय हो चुका है और फिर से ये बारिश तेज स्टार्ट हो गई है। अब पता नहीं कि चांद दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा। मम्मी ने ना सुबह से व्रत रखा हुआ है, और या फिर मम्मी का व्रत टूटेगा या नहीं टूटेगा, क्योंकि चांद तो दिखना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और बारिश भी तेज़ हो रही है, बहुत ही तेज़ हो रही है, और चांद कब निकलेगा पता नहीं। और आपके यहाँ जब भी चांद निकलेगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप कब पूजा करेंगे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि चांद निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है। और ये मम्मी की करवा चौथ की थाली है, अभी हमें इसको रेडी भी करना है। ये देख लीजिए, इसमें मटका, छन्नी और प्लेट भी है। डर लगने लगा है कि चांद निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि इतनी तेज बाहर बारिश हो रही है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि हम सोच रहे हैं कि बाहर कैसे जाएंगे। तो आकांक्षा देखिए यहाँ पे क्या कर रही है, बैठी हुई है, और ये करवा चौथ की प्लेट एंड ये छन्नी और ये कलश, और यहाँ पे देखियो ये क्या कर रहा है वंश। वंश क्या कर रहे हो बेटा, आप क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ? ये अपना खेलने में लगा हुआ देखो। और आकांक्षा की मॉम अभी वो टेंशन में आ गई है कि हम बाहर कैसे जाएंगे पूजा करने, क्योंकि बाहर तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। और चांद दिखे या ना दिखे उसका तो कुछ पता नहीं। राइट। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्या होता है, क्या कब निकलेगा चांद, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आकांक्षा की मम्मी अभी ये रेडी होना स्टार्ट कर रही है, देखो अब पता नहीं क्या होता है, क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा है। और अभी टेंशन में है ये कि पूजा कैसे होगी, क्योंकि चांद देखने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो क्या बोलती है, क्या अच्छा बारिश बंद हो जाएगी, क्या लगता है? हो जानी चाहिए बंद तो, देखते हैं क्या होता है। तो आपको हम दिखाएंगे ज़रूर जब हम पूजा करने जाएंगे, और बाहर का वेदर कैसा होता है। और वैसे दिल्ली में इन लोगों ने बोला है कि 8 बजे के बाद का तो थोड़ा सा 8 बजे के बाद का चांद निकलने का टाइम है, तो देखते हैं क्या होता है। तब तक जब चांद निकलता है तो उस टाइम कैसा होता है देखते हैं। तो आकांक्षा की मम्मी अभी अपना मेकअप के लिए एंड अपना ड्रेसिंग के लिए तैयार हो रही है, देखते हैं। ये निकाल दिया आकांक्षा की मम्मी ने साड़ी, और यहाँ अपना मेकअप का सामान निकाल रही है। तो हम सब लोग रेडी हो चुके हैं, और अभी 9 बज चुका है, तो अभी तक कुछ पता नहीं है कि चांद कब आएगा, और अभी तक बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है चांद। अगर आपको हम सब मतलब हमारी ड्रेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना, बट चांद तो अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आपके यहाँ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिए। ये देख सकते हैं लंच रेडी हो गया, और मम्मी को भूख भी लग गई है, और मम्मी को भूख भी लग रही है, बट चांद दिख ही नहीं रहा, चक्कर आ रहा है तो भूख से। हाँ, तो हमने पूजा कर ली है, और मम्मी ने 10 बजे व्रत तोड़ा है, क्योंकि चांद कहीं भी नहीं दिख रहा है। सब लोगों ने ऐसे ही करा है, आसमान में देखा है और खोल दिया है, क्योंकि चांद यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है। और मम्मी ने अपना व्रत खोल दिया, ये देख लो मम्मी को, और मेरा तो सिर में भी दर्द हो रहा है। और देखो बाबू पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ पे खड़ा होके। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के राता लंबे आ लंबे आ रे कटे तेरे। तो वंश को आटे के साथ खेल रहा है, हम बुला रहे हैं उसको, और ये आ ही नहीं रहा हमारे पास। वंश इधर आ बेटा, कम